एंड आईपीएल हाउसिंग फाइनेंस में और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है क्योंकि काफी नीचे गिरा है रिसेंटली, तो 50-60% का गेन आईपीएल हाउसिंग फाइनेंस में 122 लोगों के सामने। सबसे पहले यही यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आईपीएल हाउसिंग फाइनेंस में जो कि मैंने रिसेंटली ही बाय किया है, कितने पे बाय किया वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लगभग 96 रुपीस के अराउंड मैंने बाय किया है। और अभी हाउसिंग आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस क्या चल रहा है, जस्ट गिव मी वन सेकंड, चार्ट को लोड होने देते हैं। या आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे आया मैं, ठीक है, कितना बड़ा है नहीं बड़ा वो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। या मतलब ज्यादा नहीं बड़ा है, मैंने 96 रुपीस पे बाय किया है और 97.35 पे चल रहा है, तो बढ़ना शुरू कर गया है ये। उसके बावजूद भी यहां से 150 तक जो है काफी एक क्विक स्विंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई देती है। जस्ट गिव मी वन सेकंड, चार्ट लोड होने में हल्का सा टाइम लग रहा है। या बेसिकली जहां से ये गिरना शुरू हुआ था वहीं तक, यहां से लेके लगभग यहां तक या हल्का सा नीचे मान के चलो, तो ये टारगेट, ये जो 156 का टारगेट है, ये मेरे को लिटरली 3 महीने से भी कम वक्त में आता हुआ नजर आता है। तो ये 60% के गेन यार कोशिश करो कि मिस ना करो। विद दैट बीइंग सेड, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें अपना 1.5% से ज्यादा इन्वेस्ट मत कर, ठीक है। ओवरऑल जो है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो इसमें इसको मोनेटाइज जरूर कर लेना, ठीक है।